ये पूरा एल्बम जो है इट्स मोस्टली इट्स बीइंग टाउटेड एज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रोड एल्बम्स, मतलब कोई ऐसा एल्बम जो आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते वक्त या अपने फ्रेंड के साथ या अपने लव इंटरेस्ट के साथ आप जब जा रहे हैं तो आप इसको सुन सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी लिसनिंग एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, बिकॉज लॉन्ग ड्राइव में इतनी ट्रैफिक जब होती है इधर उधर या फिर आपको मालूम नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, देन यू नीड समथिंग टू सूद यू एंड समथिंग टू रियली मेक यू फील नाइस अबाउट योर सेल्फ एंड दैट इज़ व्हाट दिस एल्बम इज़ अबाउट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही फिलोसफिकल, कुछ लवी डवी, कुछ सेंटिमेंटल ये सारे गाने हैं और दिस विल टेक यू बैक इन टाइम, बिकॉज आपको लगेगा कि ये एल्बम एक 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 सिंपलिसिटी को वापस लेके आ रहा है जो शायद कहीं आजकल खो गई है, बिकॉज वी आर सो इन टू आइटम सॉन्ग्स एंड सो इन टू पार्टी नंबर्स एंड ओवर प्रोसेस सॉन्ग्स, तो ये गोज बैक टू द सिंपलिसिटी दैट वी हैड एंड यस आई वुड डेफिनेटली पुट इट एंड लिसन टू इट एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट टू एंड आप भी सुनेंगे इस अपनी गाड़ी में। मैंने जब ये गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो ऑफकोर्स मेरा आइडिया कुछ अलग था, लेकिन when you're doing something like this, of course the composer's thought and the lyricist's thought is something that really matters, aur uske upar aap apne tippaniyan de sakte hain, apne ideas add kar sakte hain, so hame pehle se hi malum tha ki ye bahut hi ek soft number hai aur isme kaafi philosophy dubi hui hai jisme aap ye dikhana chahte hain ki mere paas aaj zindagi mein sab kuch hai, main bahut busy hu aur main paise bhi kama raha hu, main popular bhi ho raha hu, lekin kuch to missing hai, ab wo kuch is open to interpretation, चाहे आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है या आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के साथ कहीं आपका नाता टूट गया है, दैट इज़ व्हाट द सॉन्ग इज़ अबाउट एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग द लिरिक्स ऑल्सो गो, लाइक कि कुछ दिनों से लगता है कि कुछ दिनों से एक नूर है और मुझे अचानक लग रहा है कि यू नो अब मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी में खुश होने के लिए क्या चाहिए होता है। जी मिको जो हैं जिनकी ये एल्बम है, एक्चुअली बहुत सारे सिंगर्स तो हैं ही इसमें, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस तो हैं ही, लेकिन मिको जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और साउंड प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको मेरे करियर की शुरुआत से जानता हूँ, 10 साल हो गए हैं मेरी और उनकी मुलाकात को, और इस दुनिया में अच्छा संगीतकार और भला इंसान दोनों का मिश्रण एक ही पैकेट में हो ये बहुत कम होता है, और मिको जो हैं भगवान ने ऐसा पैकेट बना के भेजा है पृथ्वी पर कि जिनके अंदर सादगी भी है, भोलापन भी है और बहुत अच्छा टैलेंट भी है, वरना कहीं ना कहीं मार खा सकता है इंसान, जिसमें टैलेंट है वो खज्जल इंसान है और जो अच्छा इंसान है उसमें टैलेंट नहीं है, तो बाबा कहीं ना कहीं गुड़ वो दांत और चने वाले गेम में फंसा के रखते हैं सबको। हमारा ये ताल्लुक़ रहा साहेब शुरू में कि हमसे इन्होंने, जब हम जिंगल गाते थे तो एक दिन हमको एक कॉल आई कि या हाय आई एम मिको स्पीकिंग एंड आई एम आल्सो साउंड प्रोड्यूसर एंड कंपोज़र, तो मैं जाके अंग्रेजी बोलने वालों से ज़्यादा मिलता हूँ, पहले शुरू शुरू में मेरे अंदर ये जोश था कि भैया अंग्रेजी बोलने वालों से ज़्यादा मिलो माल अच्छा मिलेगा शायद, क्योंकि उधर माल खरा होता है खोटा नहीं, हिंदी बोलने वाले में हल्का सा कई बार मिलावट हो सकती है। तो हुआ ये कि मैं गया तो ये लोग एटिकेट्स मैनर्स और बहुत ही प्यारापन इनके अंदर होता है, इवोल्ड होते हैं जो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, तो मेरा मन बड़ा हमेशा चाहता था कि ऐसे लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगा, तो फिर जब मैं मिला तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ और बहुत ही टैलेंटेड हैं ये, इन्होंने हमसे कुछ जिंगल्स गवाए शुरू में और धीरे धीरे इस तरह से यात्रा बढ़ती गई। आज भी जब हमको अपने ट्रैक्स बनवाने होते हैं, कभी माइनस या प्लस वाले ट्रैक, कभी कुछ एडिट कराने होते हैं, मान लीजिए 2.5 मिनट ही गाना है तेरी दीवानी, तो मिको ही हमारे कार्य में सहायता करते हैं, उन्हीं की कृपा से हम बड़े बड़े टीवी शोज़ पे एडिट अपने वर्जन गा लेते हैं।